अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि मलाई से घी किस तरह निकाला जाता है। ये निहायत सिंपल और आसान तरीका है। ये मैंने 3 बाउल लिए मलाई के, जो मैंने फ्रीज़र में जमा किए हुए थे। इस्तेमाल से पहले 2 से 3 घंटे पहले आप इसे बाहर निकाल दें ताकि ये मलाई मेल्ट हो जाए। इसमें हम ये गेहूं का आटा यूज़ करेंगे जिससे मलाई से घी बहुत जल्दी से और आसानी से निकल आएगा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये सारी मलाई मैंने एक जगह ले ली है। गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। इसकी आंच हम हल्की रखेंगे और इसे चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसमें आटा किस जगह डालना है। ये देखें, इसे पकाते हुए तकरीबन 30 सेकंड हो चुके हैं। आंच हमने बहुत कम रखी है, हाई फ्लेम पे हमने इसे नहीं बनाना, वरना ये जलेगी ज़्यादा और घी कम निकलेगा। इसमें हम लगातार चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। ये गरम हो चुकी है, ये आप देख लें, इसने उबलना भी स्टार्ट कर दिया है। अब इस जगह हम इसमें ऐड करेंगे आटा, गेहूं का आटा। फौरन ही मिक्स करेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए, इस तरीके से जो गुठलियां बन गई हैं मैंने उन्हें तोड़ लिया है। एक बात का आप ख्याल रखेंगे कि गैस की फ्लेम आपने कम रखनी है। अगर आप इसकी फ्लेम हाई कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा छीटे भी देगा और जलेगा भी, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसको बिल्कुल हल्की आंच पर बनाना है ताकि इसकी छीटे भी ना उड़े और जले भी ना। ये देखिए, इसे पकाते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें से हल्के हल्के घी अलहदा होना शुरू हो चुका है। ये देखिए, ऊपर तह लग रही है। अब ये इंशाल्लाह बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। हमने इसी तरह चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए, साइडों में भी घी आना शुरू हो चुका है। आंच हमने हल्की रखी है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये देखिए, घी अलग हो रहा है। ये देखिए, तकरीबन इसे बनाते हुए मुझे इसी तरह चम्मच चलाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, 10 से 12 मिनट। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। देखिए माशाल्लाह,
एक दो तरीके और भी हैं जो बहुत आसान हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आटा इसमें ऐड करने का एक फ़ायदा और है, अगर आपकी मलाई ख़राब नहीं है और अच्छी मलाई थी, साफ़ सुथरी मलाई थी, तो आखिर में जो ये पैसा है ये हलवा बन जाएगा। इसमें आप चीनी ऐड करके खा सकते हैं। अगर वो पुरानी मलाई होगी तो उसका जो इस तरह का पेस्ट बचेगा वो बहुत ज़्यादा कड़वा होगा, वो इस्तेमाल के लायक नहीं होगा। लेकिन अगर यानी कि मलाई अच्छी होगी तो अच्छा ये हलवा सा बचेगा। इसमें ये देखिए पेस्ट अच्छा बचेगा, तो आप इसमें चीनी डाल के हलवा बना लीजिएगा, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी। तब ये अलहदा हो रहा है, और इसमें से अब छींटे भी इतने ज़्यादा नहीं उड़ रहे। ये देखिए नीचे लग भी नहीं रहा। इस तरीके से आपका बर्तन भी ख़राब नहीं होगा और घी भी बहुत अच्छा निकलेगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा घी बन रहा है। इंशाल्लाह आप इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये घी जो है बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब भी नहीं होता। अक्सर घी जो है वो देसी घी जब बनाए जाते हैं तो शिकायत होती है कि वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आप इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि घी को आपने अच्छे से छान लेना है। अगर ये जो है क्रीम जो है, अगर इसके ज़रा से भी ज़र्रात उसमें जाते हैं तो उसमें फिर फफोंद आ जाती है, इस वजह से घी ख़राब हो जाता है। आपने इसको बहुत अच्छे से छान लेना है, वो मैं लास्ट में आपको दिखा दूँगी। ये देखिए ये बिल्कुल खुश्क होना शुरू हो चुका है और घी ज़्यादा हो गया है। हम इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा घी बना है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा घी बना है और इसकी बहुत प्यारी खुशबू उठ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, अगर आप ये चाहती हैं कि आप जो मलाई जमा कर रहे हैं वो ख़राब ना हो, तो आप उसे जमा जो है एक बाउल में करें और बाउल हमेशा फ्रीज़र में ऊपर रखें। अगर आप नीचे रखेंगे तो वो एक्सपायर हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी मलाई। फिर आप ऊपर रखेंगे, फिर आप जब इस तरह आटा बना के उसका हलवा बनाना चाहेंगे तो हलवा बहुत कड़वा बनेगा। फिर आपको ये जो देखिए ये मलाई जो सूख रही है, इसका आप हलवा नहीं बना सकेंगे, इसमें आटा भी शामिल है। फिर आपको ये फेंकना पड़ेगा। हो चुका है, मैं इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसका हलवा बनाना है। घी निकाल कर जो बाकी पीछे पेस्ट बचेगा मैं उसका हलवा बना लूँगी चीनी डालकर, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। अभी मैं इसे आपको छान कर दिखाती हूँ। ये देखिए घी बनकर तैयार हो चुका है, कितना प्यारा कलर आया है इसका। ये देखिए इधर कढ़ाई में दिखाऊँ, यहाँ जो पेस्ट बचा था इसमें से अभी और घी निकल आएगा। एक बात का ख्याल रखें, जब आप छान रहे हैं तो इसके ज़र्रात उसमें ना जाएं। इस बाउल में मुझसे कुछ ज़र्रात चले गए हैं जल्दी में, इसे मैं दोबारा छान लूँगी ताकि कोई भी एक ज़र्रा इसमें ना रहे, वरना ये ख़राब जल्दी होगा, इसमें फफोंद लग जाएगी। मैं इसे दोबारा छान लूँगी। आप इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। खुशबू भी माशाल्लाह बहुत 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 प्यारी खुशबू है। आंच मैंने हल्की रखी है, देखिए ब्राउन होना शुरू हो चुका है। यहाँ हम इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड करेंगे। और ये पिसी हुई इलायची,
ये बहुत टेस्टी सा हलवा बन जाएगा, मगर एक बात का ख्याल रखें कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा और हैवी होगा। आप इसे सर्दियों में तो मज़े से खा सकते हैं, मगर गर्मियों में आपने खाने में एहतियात करनी है और बहुत कम खाना है। ये देखिए हमने इसे चलाते रहना है, तो ये ब्राउन हो जाएगा तो ये समझे रेडी है। हमारा घी और हलवा दोनों रेडी है। आप एक मरतबा मेरे कहने पर यह घी जरूर बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत लंबे अरसे तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सकेंगी। खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।